स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट्स इंडिया लिमिटेड के साथ में तो कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो छिहत्तर रुपये पच्चीस पैसे का करंट मार्केट प्राइस है एक रुपये नब्बे पैसे की तेज़ी के साथ जो है शेयर ने कल के दिन मार्केट में अपनी क्लोजिंग हमें दी है कंपनी के क्यू की जो अर्निंग्स हैं वो आउट हो चुकी है और वही जो है हमारे डिस्कशन का विषय रहने वाला है शेयर की रिसेंटली लिस्टिंग हुई है अगर हम एक साल के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं हमें पता चलेगा कि कंपनी लगभग दस परसेंट के डिस्काउंट पर अभी के समय में ट्रेड कर रही है हालांकि सौ रुपये के लेवल से देखें तो पच्चीस परसेंट के डिस्काउंट पे अभी कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है कंपनी नीचे गई थी वहाँ से जो है कंपनी में रिकवरी आई है और अस्सी रुपये के अराउंड का एक रेसिस्टेंट हमें कंपनी में देखने को मिलता है स्मॉल कैप की ये छोटी कंपनी है और इसका अगर मार्केट कैप हम देखें तो दो करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप यानी कि छोटी सी कंपनी हमें ये देखने को मिलती है स्मॉल कैप की तो हमारे पास है कंपनी के नंबर्स और यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो मिलियन में दिए गए हैं तो हम आपको जो है करोड़ में ही कन्वर्ट करके बताएंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको या हमें किसी को ना रहे तो जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने गैदर किया है वो है एक करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर में एक हज़ार चौरासी करोड़ हमें देखने को मिल रहा था जबकि ये प्रॉफिट पिछले साल बाई ऑन बाई बेसिस पे सेम क्वार्टर में बारह करोड़ हमें देखने को मिल रहा था सिंपली अगर देखें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी के नंबर्स में डिक्लाइन हमें देखने को मिला है टोटल इनकम जो कंपनी ने 2023 में प्राप्त की है वो है चौवन करोड़ जो कि तैंतालीस हमें दो में देखने को मिल रही थी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफ़िट हमें देखने को मिलता है वो पैंतीस करोड़ के अराउंड का देखने को मिलता है जो कि हमें पिछले क्वार्टर में दो सॉरी बाईस करोड़ का देखने को मिल रहा था और पिछले साल सेम क्वार्टर में पैंतीस करोड़ का देखने को मिल रहा था तो यहाँ पर क्या है नेट प्रॉफिट के मामले में टोटल इनकम जो कंप्रीहेंसिव इनकम जो कंपनी ने प्राप्त की है उसके मामले में यहाँ पे जो है बाई ऑन बाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोनों ही टर्म में ग्रोथ देखने को मिल रही है दोनों ही टर्म में जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अब टोटल इनकम टोटल नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने गैदर किया है दो में वो है एक करोड़ जो कि एक करोड़ हमें दो में देखने को मिल रहा था तो एनुअल बेसिस पर भी हमें कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर वो वाई ओन बाई बेसिस पे घटी है एक रुपये अट्ठारह पैसे से घट के चौरानवे पैसे हो गई है जबकि क्यू ओन क्यू बेसिस पे उनसठ पैसे से घट के सॉरी उनसठ पैसे से बढ़ के जो है चौरानवे पैसे हो गई है एनुअल बेसिस पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2023 में तीन रुपये तिरसठ पैसे रहा है जबकि 2022 में तीन रुपये छियालीस पैसे अर्निंग पर शेयर हमें कंपनी का देखने को मिल रहा था यह है कंपनी का चार्ट और इसको देखने से पता चलेगा कि शेयर में जो है स्टार्टिंग में जो है बढ़ोतरी देखने के बाद यानी कि स्टार्टिंग में जो शेयर ने गेन किया था अस्सी रुपये के पास लिस्टिंग होने के बाद शेयर जो है सौ रुपये तक गया था वहाँ से जो है शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली थी और शेयर का प्राइस जो है साठ रुपये के अराउंड तक आता हुआ हमें देखने को मिला था सिंपली यहाँ से क्या हुआ कि एक रिवर्सल जो ट्रेंड लाइन थी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया शेयर का प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस से शेयर में जो है हमें गिरावट देखने को जो है इसमें मिली है तो अभी क्या करना है कि जो निवेशक हैं बिना कुछ ऐड ऑन किए जितनी भी क्वांटिटी में आपने इसमें निवेश कर रखा है बिना ऐड ऑन किए कंटिन्यू कर सकते हैं ऐड ऑन तब करें जब कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा अगर आपको बिलीफ होने लगे कि हाँ कंपनी अब जो है चलने लगी है तब जो है इसमें एड ऑन करना सही होगा अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये कंपनी जो है अस्सी रुपये तक गई थी और वहाँ से जो है इस कंपनी में क्या है कि नीचे की तरफ जो है जाते हुए क्योंकि इसका एक रेसिस्टेंट हमें जो है बनते हुए देखने को मिल रहा था जो इसका रेसिस्टेंट था उसको जो है क्रॉस नहीं कर पाई और शेयर में जो है वहाँ पर रिजेक्ट होके शेयर का प्राइस नीचे चला गया ज़्यादा रूम नहीं है पिछहत्तर रुपये पचास पैसे का है अगर रेसिस्टेंट को ब्रेक करता है तो शेयर जो है ऊपर जाने की क्षमता रखता है नंबर्स उस तरह के आए हैं कि बिना एड ऑन किए आप जो है शेयर में कंटिन्यू करके चल सकते हैं आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड तो ये भी बढ़िया कंपनी है शॉर्ट टर्म के लिए टू एट्टी सिक्स का जो है करंट मार्केट प्राइस है एक रुपये पंद्रह पैसे की तेजी के साथ देर ने कल के दिन मार्केट में क्लोजिंग दी है अब इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक महीने में कोई रिटर्न नहीं है छः महीने में जो है सात परसेंट का डिस्काउंट है और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में बीस परसेंट का डिस्काउंट हमें कंपनी में देखने को मिलता है शेयर उस तरह का है कि आप जो है बॉटम में बाई करके जैसे कि ढाई सौ का इसका एक डबल बॉटम देखने को हमें मिल रहा है तो ढाई सौ रुपये अराउंड बाई करके आप जो है टेन ट्वेंटी परसेंट लगभग तीन सौ तीन सौ पचास रुपये के टारगेट को जो है कंपनी में अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में पाँच साल की बात करें तो पाँच साल में कंपनी ने तिहत्तर का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है अब यहाँ पर क्या है कंपनी जो है लगातार कंसोलीडेट हो रही थी टू के अराउंड फिर जो है इसने ब्रेकआउट दिया फिर कंपनी चली और अभी वापस से जो है शेयर एक जगह जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी जो है ब्रेकआउट हमें आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में एक देखने को मिल सकता है और शेयर का प्राइस जो है वापस से ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है जो कि 500 400 500 सौ के के आसपास का हमें कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो दो परसेंट का रिटर्न है जो कि ग्रोथ कंपनियों के कंपेरिजन में काफ़ी कम है सिंपली पता चलता है कि कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए ही परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कंपनी परफेक्ट नहीं है कंपनी की अर्निंग्स आउट हो चुकी है और जो कंपनी की नेट सेल्स रही है वो पैंतीस सौ अट्ठानवे करोड़ की हमें जो है देखने को मिल रही है जो कि आठ दशमलव आठ आठ एक सॉरी आठ दशमलव आठ एक परसेंट के हिसाब से बाय ऑन बाय बेसिस पे अप हुई है अब ये जो सेल्स पिछले साल क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सॉरी बाय ऑन बाय बेसिस पे हमें देखने को मिल रही थी बहुत ही तीन हज़ार तीन सौ सात करोड़ के अराउंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफ़िट जो है कंपनी ने चौरानवे करोड़ का जो है गैदर किया है जो कि डाउन हुआ है इकसठ परसेंट टू फोर्टी थ्री का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का पिछले साल सेम क्वार्टर देखने को मिल रहा था अब यहाँ पे क्या है कंपनी का प्रॉफिट गिरा है और प्रॉफिट गिरने का सीधा इफेक्ट जो है कंपनी के शेयर चार्ट पे होता है टू एटी सिक्स का करंट प्राइस है तो शेयर जो है हमें बाहर से नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है ई बी आई टी डी ए की बात करें तो एक सौ बावन करोड़ का है जो कि साठ परसेंट ये भी गिरा है तीन सौ पिचासी करोड़ से इसके अलावा अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी पाँच रुपये पिचासी पैसे से घट के दो रुपये छब्बीस पैसे हमें जो है अर्निंग पर शेयर कंपनी की देखने को मिल रही है कोई खास रिटर्न कंपनी ने जो है छः महीने या साल भर में प्रोवाइड करा के अपने इन्वेस्टर को नहीं दिए हैं हालाँकि शॉर्ट टर्म में कुछ छुटपुट पाँच दस परसेंट के रिटर्न कंपनी ने ज़रूर प्रोवाइड कराए हैं तो यह है कैंडलिस्टिक पैटर्न में कंपनी का चार्ट तो यहाँ पे देखने मिलेगा ढाई सौ रुपये के अराउंड की बढ़िया एक सपोर्ट है और टू एटी सिक्स का करंट मार्केट प्राइस है नंबर्स अर्निंग्स उस तरह की आउट हुई है कि हमें जो है गिरावट आगे देखने को मिल सकती है और शेयर का प्राइस जो है सपोर्ट के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है सपोर्ट के पास आता है तो जो इंटरेस्टेड है वो बाई करके चल सकते हैं और अपना जो है ये जो इसका लेवल है तीन सौ तक के टारगेट जो है अपने इसमें मान के चल सकते हैं तीन सौ के टारगेट के लिए आप इसमें जो है बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं लेकिन अभी करंट प्राइस पर बाई न करके गिरावट का इंतज़ार करें गिरावट होती है तो जरूर शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को बाई किया जा सकता है